हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं। तो गाइस आज के इस ब्लॉग में हम कुछ नया बनाने जा रहे हैं। तो आज बन रहा है ब्रेड के पकौड़े और साथ में हमने बड़ी बड़ी मिर्च भी लाई है खेत से और उसके भी पकौड़े बन रहे हैं। तो आज बन रहे हैं ब्रेड के पकौड़े विद टी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमने अपने आलू उबाल लिए हैं और ठंडे भी हो गए हैं हमारे आलू। तो आलू का मसाला हम तैयार करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च, डाली अपने स्वाद अनुसार। उसके बाद हम डालेंगे नमक, चम्मच से ले दीजिएगा। नमक और हल्दी हमने बेसन में भी डालनी है तो थोड़ा कम डालेंगे हम इसमें। ये हमने ऐड कर दी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। हरा धनिया हमारे खेत में अभी नहीं है तो हरा धनिया हमने नहीं डाला है। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें सूखा धनिया और जीरा। ये हम अभी सूखा धनिया और जीरा पीस रहे हैं। इनको पीसने के बाद हम इसमें डाल देंगे। और ये हमने जीरा और धनिया भून के पीस लिया है सिलबट्टे पे। बस ये हमारा आलू का मसाला एकदम तैयार हो चुका है और इसके बाद हम लगाएंगे इनको ब्रेड पे। सबसे पहले हम इसको अच्छे से घोल लेते हैं। ये देखिए हमारा आलू का मसाला एकदम तैयार हो चुका है और कढ़ाही हमने डाल ली है। जब तक हमारा यहाँ का सारा काम हो जाएगा तब तक तेल भी गर्म हो जाएगा। बस अब तेल डालेंगे हम कढ़ाही में। तो कढ़ाही में तेल हमने डाल दिया है, हमारा तेल भी गर्म होता रहेगा और बाकी काम भी हम साथ में करते रहेंगे। तो ये पीसी जा रही है पुदीने की चटनी ब्रेड के पकौड़ों के साथ, और चटनी पीसी जा रही है सिलबट्टे पे। वैसे तो मिक्सी में भी चटनी बन सकती थी लेकिन सिलबट्टे की चटनी का स्वाद तो आप सबको पता ही है। सिलबट्टे की चटनी का स्वाद तो सबसे अलग होता है इसलिए हम सिलबट्टे पे ही चटनी पीस रहे हैं। ये देखिए तो सबसे पहले हम चटनी लगा देंगे थोड़ी थोड़ी ब्रेड पे, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लगाएंगे हम। और दीदी स्टफिंग डाल रहे हैं इसके ऊपर, अगर दो दो काम करेंगे तो काम थोड़ा जल्दी फिनिश हो जाएगा इसीलिए हम दोनों लगे हैं। और कढ़ाही हमने चढ़ा दी है चूल्हे पे, तेल भी गर्म हो रहा है। और बरसात के मौसम में तो पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है। बरसात और सर्दियों के मौसम में, बरसात का मौसम है तो पकौड़े बन रहे हैं और साथ में बनेगी चाय, आहा मजा आ जाएगा। उसके बाद हम इस तरह से इनको बीच से कट कर देंगे और इस तरह से हम रखेंगे अपने सारे ब्रेड को कट करके। ये देखिए इस तरह से, और ये हमारा ट्रायंगल शेप में ब्रेड रख दिए हमने। और इसी तरह से हम सारे ब्रेड्स अपने काट लेंगे। तो अब हम बेसन का घोल बना लेंगे। ये हम थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर रहे हैं, थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, और इसको हम थोड़ा घना घना रखेंगे
और अब दीदी पकौड़ा तलना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखिए। और इसी तरह से हम सारे पकौड़े तल लेंगे। तो सारे पकौड़े तल लेते हैं और मिलते हैं उसके बाद। देखिए हमारे केक की बड़ी बड़ी मिर्च, इतनी बड़ी बड़ी मिर्च, और इसके बनेंगे पकौड़े। देखते हैं इन मिर्च के पकौड़ों को कौन खाएगा, नेहा खाएगी या फिर हैप्पी खाएगा या फिर मैं खाऊंगी। देखते हैं कौन खाएगा। ये देखिए हमारे ब्रेड पकौड़ा बनकर एकदम तैयार है। ये देखिए आप, और साथ में बनी है कॉफी। तो हमारे घर में कुछ चाय नहीं पीते, कुछ पीते हैं, तो इसलिए हम कॉफी बना रहे सबके लिए ताकि कोई निराश ना हो। तो बन रही है इसके साथ कॉफी और साथ में है पुदीना की चटनी। तो बहुत ही मजा आने वाला है खाने में। और थोड़ी देर बाद बनेंगे इन मिर्च के पकौड़े। और अब बन रहे मिर्च के पकौड़े। ये मिर्च मिर्च खाऊंगी, मैं नहीं खानी, दीदी खाएंगे इसको। इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो चलिए ईशान से पूछते हैं ब्रेड पकौड़ा कैसा बना है और साथ में बनी है कॉफी। हेलो गाइस, हैप्पी चक्के बता वाला कैसा बना है। चटनी बनी है साथ में पुदीने की। रुक जा। जम्मू कश्मीर पुलिस के आंकड़े कहते हैं कि वर्ष 2019 कैसे बने राजी के 1,000 क्या बात है, बहुत टेस्टी है।